ये जो हमारी बस है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए चलती है सर? वड़नगर से देख लीजिए, हमारी बस कुछ ऐसी है आज की, वड़नगर बोरीवली तक ये बस हमारी जर्नी रहे। देख लीजिए बस के अंदर का कुछ इंटीरियर कुछ ऐसा है, सीटिंग और स्लीपर दोनों ही अरेंजमेंट है इसमें। अभी हम लोग हैं अहमदाबाद सिटी के अंदर, देख सकते हैं। वेलकम टू अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस वे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे न्यू वीडियो में। और आज की जो ये हमारी जर्नी होने वाली है वो अहमदाबाद से मुंबई तक की जर्नी होने वाली है, बोरीवली तक। और ये हम जर्नी करने वाले हैं वो हमारे GSRTC जो गुजरात राज्य परिवहन की जो हमारी बस चलती है उसमें आज हम जर्नी करने वाले हैं। देख सकते हैं पीछे आपको बस दिख जाएगा, स्लीपर और सीटिंग दोनों अरेंजमेंट है इस बस में। और ये अभी थोड़ी अपडेटेड बस है तो आपको बस का इंटीरियर वगैरह सब कुछ हम दिखाएंगे। पहले मैं पीछे से एक बार आपको बता दूं कि देख लीजिए सराउंडिंग एरिया, गीता मंदिर बस स्टॉप अभी मैं खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हमारी बस लगी हुई है और यहाँ से हम जर्नी करने वाले कंटिन्यू बोरीवली मतलब मुंबई तक के लिए। तो चलिए चलते हैं, इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो पे, अगर जो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी को स्टार्ट कर। देख लीजिए हमारी बस कुछ ऐसी है आज की, वड़नगर बोरीवली तक ये बस हमारी जर्नी रहने वाली है, मुंबई तक आज हम जर्नी करने। अहमदाबाद से हमारा बोर्डिंग पॉइंट है, देख लीजिए बस कुछ ऐसी है। और ये बस जो है हमारे अहमदाबाद गीता मंदिर बस स्टॉप, ये देख ले प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे ये हमारी बस रुकी हुई है। तो पूरी डिटेल आपको बताता हूँ कि ये बस का इंटीरियर वगैरह और इसका रूट बोर्ड है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देख लीजिए हमारी बस निकल रही है और हमारे कंडक्टर सर देख लीजिए, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 से वड़नगर से ये बस चलती है। तो चलिए इस बस को बोर्ड करते हैं। तो हमारे आज के ड्राइवर सर ये रहे जो ड्राइव कर रहे हैं, अभी डिस्टर्ब इनको नहीं करेंगे हम, बाद में बातचीत हम करेंगे क्योंकि ये जर्नी जो है हमारी लंबी रहने वाली है। और हमारे आज के कंडक्टर सर, और अंदर का इंटीरियर वगैरह मैं आपको शांति से भी दिखाता हूँ। और ये देखिए अभी जो ये बस हमारी अहमदाबाद गीता मंदिर बस स्टॉप से निकल रही है, टोटल आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म 25 देखने को मिलेगा और हमारी जो बस लगी थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। तो देख लीजिए बस के अंदर का कुछ इंटीरियर कुछ ऐसा है, सीटिंग और स्लीपर दोनों ही अरेंजमेंट है इसमें। और आपको किसमें इसमें पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है और स्लीपिंग के लिए कितनी सीटिंग अवेलेबल है इसमें, ये से सारी डिटेल आपको दिखाई जाएगी। देख लीजिए पीछे का ये हो गया एमरजेंसी एग्जिट, देन आपको दिखा दूँ ये पीछे से तो कुछ ऐसी बस है हमारी आज की, काफ़ी अच्छी है। और ये रेड कलर में है, एक इसका एक और है पिंक कलर के अंदर में कॉम्बिनेशन में है जो बस इस रूट पे ये ओनली फॉर यही चलती है। बाकी आपको कृष्णा नगर से अगर जो आप द्वारका वाली जर्नी करते हैं तो उसमें आपको जो सीटिंग और स्लीपिंग जो बसेस आपको देखने को मिलेगी वो अभी न्यू जो अपडेट हुई है उसमें आपको देखने के लिए बस मिलेगी। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से अहमदाबाद से। तो अभी हम लोग हैं अहमदाबाद सिटी के अंदर, देख सकते हो यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न आई थिंक, है ना, और आगे आप लोग जाओगे तो यहाँ से सीधा आपको अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जिसको कालूपुर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रख्यात है। आगे आपको एमपी कॉलेज दिखेगा जो महिला कॉलेज है कॉमर्स और आर्ट्स के लिए, देन हम यहाँ से निकलेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो आने वाला है वो CTM, CTM के बाद हम लोग डायरेक्ट बड़ौदा को बड़ौदा एक्सप्रेस वे टच करेंगे, देन उसको वो 90 किलोमीटर तक की जो जर्नी है वो नॉन स्टॉप रहने वाली है ना कंडक्टर सर। और बाय द वे अभी सर क्या ड्राइव कर रहे हैं तो हम बाद में जब हमारा होल्ड होगा मतलब 10 मिनट का 15 मिनट का टी होल्ड होगा तब हम सर से बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कंडक्टर सर से बात करते हैं। सर इसका रूट कैसा रहने वाला, आपका नाम क्या है? किशोर सिंह। ये जो हमारी बस है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए चलती है सर? वड़नगर से। तो वड़नगर से कितने बजे निकलती है और अहमदाबाद पे कब आती है अहमदाबाद सेंट्रल बस स्टैंड? 1:15 ओके। तो देख लीजिए बस के अंदर का इंटीरियर, इसमें अगर जो आपको ट्रैवल करना है तो आपको 1 वीक पहले आपको जो बस है वो GSRTC की वेबसाइट से आपको बुक करना पड़ेगा। आई थिंक आप 1-2 दिन पहले आपको रिजर्वेशन बुक करना पड़ेगा तो ही आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, अन्यथा विदाउट टिकट आप नो अवेलेबल। ओके बस जो है हमारी निकल रही है, पीछे आप लोग देखिए पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गए जो यहाँ पे CTM बस स्टॉप से थे,
और ये रहा कुछ नज़ारा बाहर का। इससे पहले वाली जो हमारा स्टॉप था वो CTM, देन इसके बाद हम लोग आए हैं ये बड़ोड़ा एक्सप्रेस वे नॉन स्टॉप। यहाँ से हमारी जो बस जर्नी रहने वाली है, तो आपको कंटिन्यू ये वाली जर्नी का जो है वो नॉन स्टॉप बड़ोड़ा का जो एक्सप्रेस वे का व्यू है वो आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। और हमारे ड्राइवर सर देख लीजिए, टाइमिंग हो रहा है 5:15 और यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी हम लोग हैं फिलहाल, हमारा ये टोल गेट आया। तो देख लीजिए, ये है बड़ोड़ा का बस स्टॉप। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे हमारी बस रुकी है। देख लीजिए, पैसेंजर यहाँ से एक पैसेंजर बोर्ड करेंगे क्योंकि एक ही रिजर्वेशन है। और ये रही कुछ हमारी बस। फाइनली अभी जो है हमारी जो जर्नी है वो बड़ोड़ा एक्सप्रेस से होते हुए डायरेक्ट हम लोग बड़ोड़ा, ये सेंट्रल बस स्टैंड है बड़ोड़ा का, यहाँ पर हम लोग आए हैं। बड़ोड़ा एक्सप्रेस वे मैंने आपको दिखाया जो नॉन स्टॉप का, और अभी हमारी जो बस यहाँ से पैसेंजर बोर्ड करेंगे, देन हम लोग निकलेंगे यहाँ से। आगे हमारी जो जर्नी है वो नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आता है वो बाकी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। देख लीजिए बस का इंटीरियर वगैरह देखिए, पीछे साइड में वॉल्वो लगी। देन देख लीजिए प्लेटफॉर्म, आपको टोटल यहाँ पे 20 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और अंदर आपको बहुत सारी शॉपिंग के लिए बहुत बाकी सब। और ये रही हमारी बस जो लगी है। आओ तो अब हम लोग निकल रहे हैं बड़ोड़ा से, डेपो से निकल रही है हमारी बस, देख लीजिए। बड़ोड़ा डेपो से निकल के आओगे तो सामने आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा बड़ोड़ा का। तो ये रहा, और कुछ देख लीजिए नज़ारा कुछ यहाँ का ऐसा है।
देख लीजिए एक्सप्रेस वे, और जस्ट हमारी यहाँ पे बस लगी हुई है, देख लीजिए ये रही हमारी बस। एक बार मैं आपको रूट बोर्ड दिखा देता हूँ, देखिए वड़नगर से चलती है ये बोरोवली तक, ठीक है। हमारा रूट बोर्ड आपको दिखा दूँ, विसनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोड़ा, सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी, फिर अपने हमारा बोरोवली। तो देख लीजिए यहाँ पे लगी है अंबाजी, नवसारी, ऐसे करके बहुत सारी एक्सप्रेस बस लगी हुई है। ये लग्जरी कोच में है और वो बाकी सब एक्सप्रेस है। और ये रहा खूबसूरत नज़ारा आपका एक्सप्रेस वे का। गुरु कृपा करके यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमारी गाड़ी का होल्ड है और यहाँ पे हम लोग निकलेंगे 20 मिनट के लिए खाना खाने के लिए। ड्राइवर सर गए हैं और अभी हमने फिलहाल लिया है, देखो लस्सी लिया है, देन इसके बाद यहाँ से हम लोग जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि नाइट में मुझे खाने में थोड़ा या ट्रैवल में मुझे मज़ा नहीं आता खाने में, तो मैंने लिया एक लस्सी, देन ये पड़ा मेरे को 50 रुपये, तो अच्छी है। और यहाँ से निकलते हैं और आगे की जो डिटेल है वो सब मैं बताता हूँ आपको। देख लीजिए कुछ ऐसा है यहाँ का रेस्टोरेंट था, ये पूरा स्पेस, और हमारी बस जो है ये लगी हुई है वड़नगर, फिर ये बोरोवली, देख लीजिए पूरा यहाँ से। यहाँ पे एक और बस लगी थी और ये लगी है अंबाजी नवसारी। तो अब हमारा जो 20 मिनट का टाइम था वो ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट आके, ये देखते हैं मेन स्टॉप, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप क्या आता है हमारा। देख लीजिए खाने पीने की काफ़ी अच्छी है फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, बिस्किट वगैरह, वेफर वगैरह, लंच वगैरह करना और खाना होने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। मैं ड्राइवर सर भी आ रहे हैं, देख लीजिए ये रही हमारी बस, यहाँ से निकल रही है, ये हमारा रेस्टोरेंट हो गया। और देख लीजिए अब हमारे ड्राइवर सर यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं मेन स्टॉप क्या आता है, अभी कुछ पैसेंजर बाकी है, ठीक। तो देखिए तो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं जो है हमारा ये सूरत का बस, तो पीछे आप लोग देख सकते हो बस ये हमारी लगी हुई है। इसके बाद यहाँ से जो पैसेंजर बोर्ड किए हैं वो डायरेक्ट वापी के लिए, फिर यहाँ से आगे नवसारी होते हुए हम लोग जाने वाले हैं बोरोवली। तो देख लीजिए कुछ ऐसा है, ये बस स्टॉप है, सूरत का बस स्टॉप है, और ये यहाँ पर देख लीजिए ये पार्किंग स्पेस है पूरा, और कुछ ऐसा है। तो चलते हैं जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं यहाँ से सूरत से। अरे एक बार रोड बोर्ड दिखा दूँ आपको, वड़नगर से बोरोवली चलती है ये, यहाँ से देखिए ड्राइवर से चेंज हो गए हमारे, और ये यहाँ से अभी उपड़ेगी लीजिए ये सूरत का बस स्टॉप है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हमारी बस लगी है, और अब निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग डायरेक्ट, और यहाँ से हमारे ड्राइवर सर भी चेंज हो गए हैं। तो अब आप यहाँ से ड्राइव करोगे सूरत से, ओके। देख लीजिए पैसेंजर भी बोर्ड कर लिया हमारे, इससे पहले ड्राइवर सर थे जिनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फ्री होके हम बातचीत करेंगे, अभी इनका रेस्ट टाइम है। और ये रहे, और अब हमारी जो जर्नी है यहाँ से सूरत से कंटिन्यू रखते हैं। देख लीजिए अंदर पैसेंजर जो है वापी के लिए, फिर यहाँ से नवसारी, देन उसके बाद बोरोवली के लिए पैसेंजर बोर्ड हो गए हैं, मतलब यहाँ पे हो चुके हैं। और ये यहाँ से देखते हैं कोई पैसेंजर के
आया नहीं है, इसके लिए कॉन्ट्रेक्टर सर जो है वो चेक कर रहे हैं। रात के दोस्तों 3:23 हो रहा है और पीछे आप लोग देख लीजिए वड़नगर बोरोवली और ये है सूरत बोरोवली। हमारी दोनों बस लगी हुई है यहाँ पे, सूरत से एक चल रही है डायरेक्ट बोरोवली के लिए और ये जो है वड़नगर से बोरोवली जाने वाली है। तो कुछ ऐसी जर्नी थी आज हमने हमारा बीच में अप्रोक्सीमेटली अभी हमारी जो जर्नी है यहाँ से वो 80 किलोमीटर तक की जर्नी है, मतलब दो या ढाई घंटे की जर्नी अभी है यहाँ से हमारी। और बस हमारी लगी हुई है यहाँ पे, टी होल्ड दिया गया है और 10 मिनट का ब्रेक है, यहाँ से निकलते हैं 10 मिनट के बाद, तो आगे की जो जर्नी है वो आपको कंटिन्यू दिखाया जाएगा। तो देख लीजिए गर्मा गर्म चाय लिया है हमने, 20 रुपया पर ग्लास है, देख लीजिए। और ये रहा एक्सप्रेसवे का व्यू और ये रही सारी बसेस लगी हुई है और ये देख लीजिए ये होटल चामुंडा करके है, यहाँ पे चाय के लिए रुका हुआ है हमने, 10 मिनट का ब्रेक है। ये दोस्तों काफी लग्जरियस बस है स्लीपर कोच में, वाओ कौन सी गाड़ी है भाई। देख लीजिए ये यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ से हमारी बस जो है कहाँ जाएगी पार्किंग में, तो ये हमारा ये लास्ट स्टॉप है बोरोवली का और ये रहे हमारे कंडक्टर सर। देख लीजिए ये रही बस हमारी जा रही है पार्किंग में, अब यहाँ से हमारा ये सफर जो है खत्म होता है। तो फाइनली जो ये हमारी जर्नी थी वो 630 किलोमीटर तक के आसपास की जर्नी थी बोरोवली तक अहमदाबाद से, तो ये जर्नी फाइनली हमारी कंप्लीट होती है 6:30 बजे सुबह के। तो चलिए आई होप कि मैंने आपको इस जर्नी में पूरी डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, कितने होल्डर थे, हर एक चीज़ डिटेल टिकट के साथ में हर एक चीज़। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई जर्नी में, तब तक के लिए।